फिल्म के रिश्ते रील से निकलकर जब रियल लाइफ में भी उतर आते हैं तो वाकई जिंदगी को मायने दे जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया एक्टर रणदीप हुड्डा ने मुंह बोली बहन से जो वादा किया था उसे निभाया। इस मुंह बोली बहन दलबीर कौर का तरन तारण में रविवार को निधन हुआ। शनिवार रात को सीने में दर्द के बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। मुंबई में रणदीप को इसकी जानकारी मिली तो वो सब छोड़ तुरंत रवाना हो गए। रणदीप ने तरन तारण के गांव भिखी विंड पहुंचकर दलबीर कौर के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और मुखाग्नि दी, साथ ही परिवार के लोगों का दुख बताया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि 60 साल की दलबीर कौर कौन थी और रणदीप हुड्डा के संपर्क में वे कैसे आईं। दलबीर कौर उस सरबजीत सिंह की बहन थी जिसने बरसों तक पाकिस्तान की जेल में कैद में रहने के बाद वहीं दम तोड़ दिया था। सरबजीत की रिहाई के लिए दलबीर कौर ने दिन रात एक किया था, लेकिन सरबजीत का जीते जी भारत लौट पाना मुमकिन नहीं हो सका। सरबजीत को पाकिस्तान की कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में 1991 में सजाए मौत सुनाई थी। सरबजीत पर लाहौर और फैसलाबाद में 1990 में बम ब्लास्ट के आरोप भी लगाए गए थे। भारत सरकार का सरबजीत को लेकर कहना था कि वो किसान था और गलती से बॉर्डर के पास स्थित अपने गांव से भटककर पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब सरबजीत ने बॉर्डर क्रॉस किया था तब लाहौर फैसलाबाद में बम ब्लास्ट के 3 महीने हो चुके थे। सरबजीत करीब 22 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा। उस पर 26 अप्रैल 2013 को लाहौर की कोट लखपत जेल में कैदियों ने ईंट, लोहे की छड़ों और ब्लेड से हमला किया। 2 मई 2013 को सरबजीत ने लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ दिया। सरबजीत के शव को उसी शाम भारत लाया गया। साल 2016 में सरबजीत सिंह की असल स्टोरी पर बनी फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में सरबजीत का रोल रणदीप हुड्डा और दलबीर कौर के किरदार को ऐश्वर्या राय बच्चन ने निभाया था। रणदीप ने सरबजीत के रोल को इतनी शिद्दत के साथ बड़े पर्दे पर उतारा कि दलबीर कौर को उनमें अपने भाई सरबजीत का ही अक्स दिखाई देने लगा। जब सरबजीत फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहाँ दलबीर कौर को भी इन्वाइट किया गया। दलबीर कौर तब रणदीप को सरबजीत के किरदार में देखकर भावुक हो गईं। तभी उन्होंने रणदीप हुड्डा से वादा लिया था कि वही उनकी अर्थी को कंधा देंगे। दलबीर कौर ने उस वक्त कहा था, मैं रणदीप से कहना चाहती हूँ कि उनमें मैंने अपने भाई सरबजीत को देखा है। मैं रणदीप से वादा लेना चाहूँगी कि जब मैं मरूँ तो वही मुझे कंधा जरूर दें। मेरी आत्मा को ये सोचकर शांति मिलेगी कि भाई ने मुझे कंधा दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा भाई रणदीप मिला। फिल्म में वह सिर्फ हीरो ही नहीं, मेरे भाई भी हैं। आखिरकार रणदीप हुड्डा ने भी प्रोफेशन की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद मुंह बोली बहन को दिए वचन का मान रखा और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। सोशल मीडिया पर यूजर्स रणदीप के इस कदम के बाद उन्हें रियल हीरो बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।